हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए वीवो की तरफ से पांच बेस्ट स्मार्टफोन लेकर आए हैं जो कि आपको अराउंड 15,000 के प्राइस में देखने को मिल जाएगा। जो प्राइस है वो मार्केट का एग्जैक्ट प्राइस क्या है ये यहां पर मेरा कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए अराउंड 15,000 मैंने रखा है। मार्केट में रेट अप डाउन होते रहते हैं, ये ऑनलाइन रेट हैं जो कि हमेशा ज़्यादा ही रहते हैं और ऑफलाइन मार्केट में आपको सस्ते मिलते हैं, तो आप ऑफलाइन मार्केट से इन फोन्स को परचेज करें। दोस्तों ये जो फोन है आपको अराउंड 15,000 दिखने वाले हैं, जहां पर आपको बेस्ट कैमरा हो सकता है, बेस्ट बैटरी हो सकती है, बेस्ट प्रोसेसर हो सकता है। आप प्रोसेसर ज़्यादा हैवी मत देखिए इन फोन्स में, ये आपको एक आप कह सकते हैं नॉर्मल यूजिंग फोन्स हैं, साथ में फैंसी फ़ोन है। इसमें आप ज़्यादा हैवी गेमिंग या फिर ज़्यादा हैवी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप वीडियो पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिल्कुल भी फ्री है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी जहाँ पर हम अनबॉक्सिंग गिव अवे भी करते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों इस लिस्ट का जो हमारा सबसे पहला स्मार्टफोन है जो कि वीवो की तरफ से है, वीवो Y20। जी हाँ, ये आपको 10,990 यानी 11,000 के आसपास देखने को मिलता है जो कि ऑनलाइन रेट है, और ये आपको मार्केट में अराउंड 10,000 के पास देखने को मिल जाता है। ये इसलिए मैंने कम प्राइस के फोन में रखा है, कम प्राइस में आपको एक बढ़िया फोन देखने को मिलता है। यहाँ पर हम बात करते हैं इसके फीचर, तो यहाँ पर आपको मिनट के लिए Z80 2 GHz बेस देखने को मिलता है, एंड साथ में यहाँ पर आपको 4GB का रैम, 64GB का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये जो इसके परफॉर्मेंस की बात थी, यहाँ पर हम बात करते हैं इसके कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 13 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, एंड साथ में आपको LED फ्लैश, 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, यानी कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। डिस्प्ले की अगर मामले बात करते हैं तो ये एवरेज ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन 6.151 inches का आपको IPS LCD देखने को मिल जाता है, ज़्यादा बेटर नहीं है, फिलहाल ओके है। एंड अगर हम बात करते हैं इस फोन के बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 5 mAh की बैटरी, साथ में फास्ट चार्जिंग, एंड आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। ये जो फोन से थोड़ा आप ओल्ड कह सकते हैं, फिलहाल ज़्यादा ओल्ड नहीं है, अभी 6-7 महीने हुए हैं। ये 27 जनवरी 2021 को लॉन्च हुआ था, एंड ये इसका नाम है वीवो Y20G जो कि आपको 10,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले स्मार्टफोन वीवो Y31। ये 2021 का फ़ोन है, ये आपको 2021 में लॉन्च हुआ था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस की, तो ये आपको 15,000 से 16,000 के प्राइस में देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पर इसका ऑनलाइन प्राइस है वो 16,000 और 16,500 दो प्राइस है। ये आपको अलग अलग स्टोरेज में देखने को मिलेगा, अलग अलग प्राइस में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 662 प्रोसेसर विद 2.0 GHz पर देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो इस फोन का प्रोसेसर है, ये आप कह सकते हैं कि जो बाकी के रियलमी और रेडमी फोन से अराउंड 10-12 हज़ार के फोन आते हैं, सेम प्रोसेसर आपको देखने में यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन ये वीवो की तरफ से फ़ोन है तो फिलहाल महंगा तो होने वाला ही है, क्योंकि वीवो यहाँ पर इतने प्रोसेसर जब देता है तो रेट भी काफ़ी ज़्यादा लेता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की, तो 6.518 inches की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, एंड साथ में 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। नॉर्मल है, इट्स नॉट हाई। एंड बात करते हैं अगर कैमरे की, तो यहाँ पर कैमरा आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, 48 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 48 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP, साथ में LED फ्लैश, 16 MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं इस फोन के कैमरे क्वालिटी की, तो यहाँ पर केवल कैमरा और बैटरी ही काफ़ी अच्छे नहीं है, साथ साथ परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है और डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको बैटरी जो देखने को मिलती है वो एक्सीलेंट देखने को मिलती है गाइज। यहाँ पर आपको 5 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग साथ देखने को मिलती है, एंड टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इस फोन के क्वालिटी की, तो जो 16 से 17 हज़ार में आपको जो ये बजट देखने को मिल रहा है 15 से 16 हज़ार के प्राइस में, ये आप कह सकते हैं नॉर्मल बजट नहीं है, ये काफ़ी अच्छा बजट है वीवो की तरफ से। इतने फोन है लेकिन ये वीवो की तरफ से काफ़ी अच्छा फ़ोन और काफ़ी अच्छे प्रोसेसर और परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो ये फोन जो सेकंड नंबर लिस्ट पे मुझे काफ़ी पसंद आया है। बात करते हैं अपने थर्ड स्मार्टफोन की, वीवो Y20। जी हाँ, ये काफ़ी पुराना फ़ोन है और काफ़ी बेकार सा फ़ोन तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक जो नॉर्मल बंदा है 10,000 के प्राइस वाला, उसके लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन है वीवो Y20। आपको 10 से 12 हज़ार के प्राइस में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलता है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल लो है, बिल्कुल ही लो है। 1.8 GB पर स्नैपड्रैगन 460 है,
और जो रैम देखने को मिलती है वो 4GB की रैम देखने को मिलती है, साथ में 64GB की स्टोरेज भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की, तो एवरेज है, ज़्यादा खास नहीं है, 6.51 इंचेस की आईपीएस एलसीडी है। एंड बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा क्वालिटी बीट्स ओके है, 13 मेगापिक्सल साथ 2 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं इस फोन के प्राइस की वीवो में, तो वीवो में ये ऐसे ही फ़ोन आते हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रोसेसर अच्छा देखने को नहीं मिलता है, केवल कैमरा बैटरी इन दो चीज़ों पर काफ़ी फोकस किया जाता है। अगर बात करते हैं इस फोन के बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी जो कि काफ़ी एक्सीलेंट है, बैटरी अच्छी है और कह सकते हैं कैमरा ठीक है, और कस्टमर बस यही दो चीज़ें ज़्यादातर देखता है वीवो और ओप्पो के फ़ोन्स में। प्रोसेसर तो नॉर्मली वीवो के फ़ोन्स में 5-10% ऐसे लोग हैं, 5% लोग जो प्रोसेसर देखते हैं, था यहाँ पर कोई प्रोसेसर नहीं देखता है। अगर बात करते हैं अपने अगले स्मार्टफोन की, इस लिस्ट में जो हमारा है 4th नंबर पर, जिसका नाम है वीवो Y51 और ये 2020 मॉडल है, लेकिन जो इसका प्राइस एंड इसके जो स्पेक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर ये 16-17 हज़ार की प्राइस में देखने को मिलता है, मार्केट में क्या प्राइस है वो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। इसमें आपको परफॉर्मेंस जो देखने को मिलता है 2GB का स्नैपड्रैगन 665 जो कि आपको 8GB रैम के साथ देखने को मिलता है, आप गेमिंग भी कर सकते हैं नॉर्मली या फिर थोड़ा हैवी टाइप में गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हैवी नहीं। डिस्प्ले की बात करते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा है, 6.58 इंचेस की डिस्प्ले जो कि IPS LCD और 60Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिलती है। तो मतलब अगर बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की परफॉर्मेंस की, तो दोनों में पास होता है। अब वक्त आता है कैमरे की बात करने का, 48 मेगापिक्सल के साथ आपको 8 मेगापिक्सल पर 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और ये ट्रिपल प्राइमरी कैमरा सेटअप है जो कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। यहीं पर हम बात करते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरे की, तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, यानी फ्रंट और रियर दोनों कैमरा काफ़ी अच्छे हैं, तीनों चीज़ों में परफॉर्मेंस और डिस्प्ले कैमरा तीनों में टॉप कर जाता है। 4th नंबर पर जाता है 5000 mAh की एक्सीलेंट बैटरी जो कि आपको एक दिन से ज़्यादा बैकअप दे सकती है, टाइप सी पोर्ट एंड फास्ट चार्जिंग दोनों आपको देखने को मिलते हैं। तो इस लिस्ट में जो ये 4th नंबर का स्मार्टफोन, ये भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ आता है, मुझे भी काफ़ी पसंद आया। ये वीडियो हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। हम बात करते हैं अपने अगर अगले स्मार्टफोन की, वीवो Y51A। जी हाँ, ये है 2021 मॉडल जो कि 6GB रैम के साथ आता है, और उसका प्राइस है वो भी ज़्यादा नहीं है, 15-16 हज़ार के प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो फोन्स है ये थोड़ा हाई स्पेक्स के साथ आता है, ज़्यादा हाई नहीं, स्नैपड्रैगन 662 GHz से बेस्ट, एंड साथ में 6 या फिर 8GB रैम आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले नॉर्मल है 6.58 IPS 60Hz पैनल, साथ में कैमरा भी सेम है 48 मेगापिक्सल प्लस 8+2 ट्रिपल प्राइमरी कैमरा, साथ में 60 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, सेम फीचर है, बैटरी भी सेम है 5000 mAh की बैटरी, साथ में फास्ट चार्जिंग, यूएसबी टाइप सी। मैं पर बात करता हूँ वीवो क्यों एक जैसे फ़ोन बनाता है, जी हाँ, वीवो एक जैसे फ़ोन बनाता है, कुछ नए मॉडल्स के साथ बनाता है, कुछ नए डिज़ाइन के साथ बनाता है, फीचर्स सारे ही लगभग होते हैं वीवो और ओप्पो के फ़ोन्स में। हाँ, अगर आप थोड़ा ऊपर प्राइस में भरते हैं तो आपको कुछ एक्सपेंसिव फ़ोन्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ये फ़ोन्स हैं मिड रेंज के, ये लगभग आपको सेम देखने को मिलते रहते हैं, बस थोड़ा डिज़ाइन मॉडल चेंज होता है, कुछ परफॉर्मेंस थोड़ा चेंज कर सकते हैं और प्राइस को ऊपर नीचे कर देते हैं। फिलहाल सारे फ़ोन्स एक जिसमें ये मिड रेंज के काफ़ी अच्छे फ़ोन्स थे, ज़्यादा अच्छे जो एक दो सस्ते फ़ोन थे वो नहीं थे, लेकिन ये जो वीवो Y51 है, Y51A है, एंड है वीवो जो भी हमारा, ये सारे फ़ोन्स अच्छे हैं, आपको उनके प्राइस के हिसाब से अपने वीवो के नाम से खरीद सकते हैं। तो बस आज के इतना ही, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बस आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।